नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। कल जम्मू कश्मीर से बहुत ज्यादा दुखद खबर सामने आई। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया। अभी देश जून में जम्मू कश्मीर में बैक टू बैक हुए 4 हमलों से उभरा भी नहीं था। ये एक और आतंकी हमले ने देश को सकते में डाल दिया। इस बार आतंकियों ने सेना को अपना निशाना बनाया और इस हमले में सेना के जवानों को बलिदान भी देना पड़ा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बड़ा आतंकी हमला जिसमें देश के 5 जवान शहीद हो गए, 5 घायल हैं जिनका इलाज जारी है। सेना के काफिले पर आतंकी अटैक हुआ और एक के बाद एक हमलों से लगातार चिंताजनक स्थिति। जून में जम्मू कश्मीर में बैक टू बैक 4 हमले हुए थे और इसके बाद एक बार फिर से यह हमला। आतंकियों ने सेना को टारगेट किया और सेना के जवानों को अपना बलिदान इसमें देना। 5 जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, 5 घायल हो गए हैं, इलाज जारी है। सेना के काफिले पर यह आतंकी अटैक हुआ था। अब इसी आतंकी हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है कि कश्मीर टाइगर्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ये 3 आतंकियों की मौत का बदला है। आतंकी संगठन ने कहा ऐसे ही और हमले भी होंगे। तो देखिए, सामने आकर कश्मीर टाइगर्स ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ले ली और ये कहा कि 3 आतंकियों की मौत का बदला है और साथ ही साथ ये चेतावनी कि ऐसे ही हमले अभी और भी होंगे। तो बेहद हालात चिंताजनक। जहां कठुआ हमले को लेकर एक बड़ी खबर ये कि कश्मीर टाइगर्स संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और साथ ही कहा कि ये आतंकियों की मौत का बदला है, ऐसे ही हमले और भी होंगे। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुंबई में मूसलाधार मुसीबत। मुंबई में करीब 300 एमएम की भारी बारिश हुई जिसके चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आपने नहीं सुना होगा कि कभी हाईवे पर भी पानी भरता है, लेकिन मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी पानी भरा है। स्थिति ऐसी है कि गाड़ियों को किनारे से होकर जाना पड़ रहा है, हाईवे पर ऐसे हालात हैं। और आप तस्वीर देखिए कि ट्रैफिक इससे कितना ज्यादा बढ़ गया है। पहली बारिश में मुंबई की ट्रैफिक और रेलवे लाइन पूरी तरह से ठप है। को ये कहना चाहता हूँ, जरा ध्यान दीजिए, क्लियर ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि पानी का बहुत पहले बारिश में ऐसा हाल है, अभी तो पूरी बारिश बाकी है। देखिए, मुंबई की यही नियति है, मॉनसून शुरू होते ही डूब जाती है, हाई टाइड आते ही पानी पानी हो जाती है, सड़क पर निकलना दुभर हो जाता है, निचले इलाकों में घरों में रहना मतलब डूब जाना, सड़कें रेलवे का ट्रैक बारिश के पानी में गुम हो जाते हैं। और ये हाल कोई नई बात नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से मुंबई बारिश में पानी पानी हो रही है और इसका हल नहीं निकल रहा। आखिर कब तक मुंबई वासी जल की कैद में रहेंगे? क्या वजह है कि हर साल बरसात में माया नगरी डूब जाती है? क्या कोई मास्टर प्लान बनेगा जो मुंबई को राहत पहुंचाएगा? ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मुंबई से जल जमाव की लेटेस्ट तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से मुंबई में हालात बने हुए हैं अलग अलग इलाकों में। और ये हालात केवल निचले इलाकों के ही नहीं हैं, बल्कि आपने इससे पहले जो रिपोर्ट देखी उसमें भी आपने देखा कि हाईवेज तक पे ऐसी स्थिति बनी हुई है कि पानी का जल जमाव वहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। मानसून की शुरुआत होते ही मुंबई वासी किस कदर मुसीबतों का सामना करते हैं उनकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। अंधेरी की तस्वीरें आप देख लीजिए, मलाड की तस्वीरें देख लीजिए, किस तरीके से अलग अलग जगहों पर बर्डी और ये तमाम वो जगह हैं जहां पर हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। दादर की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे वहां पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मुंबई के अलग अलग इलाके जो आपको इस वक्त पानी पानी होते नजर आएंगे, सराबोर होते नजर आएंगे,
हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी सूरज ओझा जुड़ गए हैं, उनसे ताजा अपडेट हम लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं। मुंबई में रात भर मूसलाधार बारिश हुई, कई पॉश इलाके मुंबई में पानी में डूब गए और आज भी मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में हालात वहां पर और ज्यादा खराब होने की उम्मीद, क्योंकि लगातार रात भर मूसलाधार बारिश मुंबई में हुई है और कई पॉश इलाके तक पानी में डूब चुके हैं। आज भी भारी बारिश का अलर्ट है, तो ऐसे में क्या हालात वहां पर हो सकते हैं, मुसीबतें हो सकती हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से मॉनसून की शुरुआत होते ही वहां पर हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सूरज जुड़े हुए हैं, सूरज से अपडेट ले लेते हैं। सूरज, लगातार हम देख रहे हैं कि मुंबई के जो पॉश इलाके हैं वो भी पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, तो निचले इलाकों की क्या स्थिति होगी ये तो आप और हम सब समझ सकते हैं। आप इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हैं वो लोकेशन भी बताइए और दिखाइए कि वहां पर रात भर बारिश के बाद कैसे हालात हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं फिलहाल दादर के हिंदमाता इलाके में हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिलहाल जल जमाव की स्थिति कहीं पर भी नहीं है। इसकी वजह ये है कि कई पिछले 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, बारिश बहुत ही कम हो रही है और कुछ हिस्सों में तो बारिश हो भी नहीं रही है और इसी वजह से फिलहाल मुंबई के जिन जिन इलाकों में जल जमाव की स्थिति रात में हमने देखी, जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, अंधेरी सबवे, मलाड़ और जो तमाम इलाके हैं जहाँ पर, जो निचले इलाके भी हैं जहाँ पर जल जमाव की स्थिति रात में निर्माण हुई थी, फिलहाल हर जगह से जल स्तर नीचे गया है। फिलहाल आज के दिन का रेड अलर्ट है और इसी के चलते जितनी भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, थाने, मुंबई, पालघर, हर किसी ने अलर्ट किया है, स्कूल कॉलेजेस को बंद रहने का आह्वान किया है। साथ ही रेलवे ने भी लोगों से विनती की है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी घर से निकले, तो तमाम एजेंसियां हैं वो लोगों से अपील कर रही हैं कि जब अगर आपको ज़रूरत ना हो तो आप घर पर रहें, क्योंकि रेड अलर्ट है। देखिए कल की जो बरसात थी, कल की बरसात इस पूरे मानसून जैसे जब से शुरू हुआ है, कल सबसे ज़्यादा तेज़ बरसात मुंबई ने देखी है और उसका नतीजा भी सामने आया है कि पूरी मुंबई रुक सी गई, क्योंकि हर जगह जल था। पानी की वजह से रास्ते पर यातायात धीमी गति से हुआ, ट्रेन धीमी गति से हो गई, कई ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा, इसके साथ साथ हवाई यातायात पर भी इसका असर पड़ा। तो मुंबई के जो लोग हैं, मुंबई के आसपास के लोग हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था कल की बरसात की वजह से, जिसके बाद मौसम विभाग ने जिस तरह का अनुमान लगाया कि आज भी उसी तरह की बरसात की उम्मीद है, जिसके बाद आज रेड अलर्ट है। फिलहाल मुंबई में बरसात नहीं है, जहां हो रही है वहां पर रिमझिम बरसात हो रही है, लेकिन फिर भी जितने भी आपातकालीन यंत्रणाएं हैं वो सब अलर्ट पर हैं। जी जी सूरज, शुक्रिया आपका अपडेट्स देने के लिए। तो देखिए, मॉनसून की पहली बारिश जिसका इंतजार पूरा देश करता है, मुंबई भी झमाझम वाली बारिश की राह देख रही थी, लेकिन पहली ही बारिश शहर के लिए सितम बनकर आई। लोकल ट्रेन ठप हो गई, मुंबई के हाईवे डूब गए, सड़कें समंदर बन गई, गाड़ियां गड्ढों में समाने लगी और हर साल की तरह मुंबई ने देश के सामने फिर से वही तस्वीर पेश की जिसमें एक दौड़ता भागता शहर कुछ घंटों की बारिश के सामने घुटने टेक देता। लोग किसी भी उत्सव का सालाना जश्न मनाते हैं, लेकिन मुंबई के लोग मॉनसून के महीने को सालाना संकट की तरह देखते हैं। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, लोगों से अपील की गई है कि बिना काम के अपने घरों से बाहर ना निकले। अब कैसे मुंबई में पहली बारिश ने खोल दी है सिस्टम की पोल, देखिए और हो जाइए सतर्क। रात के अंधेरे में मूसलाधार बारिश के बीच स्कूटी लेकर घर से निकलना एक आम नागरिक के लिए अपराध हो गया है। ये तस्वीर मुंबई के संसाधन संपन्न सिस्टम से सवाल पूछ रही है कि हम टैक्स सड़क पर चलने के लिए देते हैं, पहली बारिश में स्कूटी को पानी के बीच धक्का देने के लिए नहीं। और मुश्किल सिर्फ इतनी ही नहीं है, पानी भरी सड़क पर जब कदम पड़ते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि अगले कदम के बाद धरती मिलेगी या फिर इंसान पाताल लोक में समा जाएगा।
मिसाल के लिए ये तस्वीर देखिए, जहां कुर्ला रेलवे स्टेशन के पास पानी भरे हुए गड्ढे में दो लोग गिर गए थे। वो तो किस्मत थी कि वहां मौजूद लोगों ने वक्त रहते मदद का हाथ बढ़ा दिया, वरना भयानक हादसा हो सकता था। अंधेरी मार्केट है, एसपी रोड पूरा रोड बंद कर दिया है इधर। बीच सड़क पर नदी उफन रही है और पानी के बीच से बस गुजर रही है। डूबी हुई मुंबई को देखकर तो बस यही ख्याल आता है कि जरा हटके, जरा बचके, ये मुंबई है मेरी जान। हम मुंबई के अंधेरी इलाके में हैं। सड़क की तस्वीर देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि जनजीवन किस कदर प्रभावित हुआ है। लगातार भारी बारिश हुई। या आप देखिए बाईं तरफ सड़क के, जहाँ कुछ वाहन पार्क किए गए थे, उसके पहिए पानी में डूबे हुए हैं। बहुत सारे बाइक जो है वो पानी में गिर गए। और ये देखिए कुछ गाड़ियां बंद पड़ गई, कुछ गाड़ियों को रिवर्स लेने की स्थिति पड़ रही है। कुछ गाड़ियां यहां से रिवर्स लेकर वापस लौट रहे हैं क्योंकि आगे पानी और भी ज्यादा भरा हुआ है। तो क्या मुंबई में रहने वालों के लिए बारिश सौगात नहीं, सजा मान ली जाए? आसमान से बरसने वाली रहमत को बीएमसी की मेहरबानी की वजह से आफत मान लिया जाए? अब आप ही बताइए, यह आफत नहीं है तो और क्या है कि सड़क तो सड़क, रिहायशी इलाके तक पानी में डूबे हुए हैं। मुंबई के चूना भट्टी इलाके में हम मौजूद हैं और यहाँ की रिहायशी इमारतों के सड़कों की स्थिति कैसी है आप मेरे पीछे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर पूरी सड़क में सिर्फ पानी ही पानी भरा हुआ है और ऐसे में आने जाने के लिए जो रास्ता है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। ये एक रेसिडेंशियल एरिया है, हाईवे के पास, चूना भट्टी के पास पड़ता है। यहाँ पर गाड़ियों के पहिए देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कितनी फीट तक ये पूरा पानी भरा है और लोगों को बहुत मुसीबत से होकर इसमें से गुजरना पड़ रहा है। घुटने के ऊपर तक का पानी है और आने जाने के लिए जो रास्ता है वो पूरी तरह से पैक है। देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई। इस शहर की रफ्तार पर एक दिन भी ब्रेक लगता है तो उसे करोड़ों रुपए की आर्थिक चोट लगती है। लेकिन सारी हकीकत जानते हुए भी यहाँ का सिस्टम हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है, वरना बताइए मुंबई जैसे शहर के हाईवे तक कैसे डूब जाते। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी पानी भरा है। हाईवे पर ऐसे हालात हैं और आप तस्वीर देखिए कि ट्रैफिक इससे कितना ज्यादा बढ़ गया है। ये वो रूट है जहां मुंबई की तरफ से थाने के लिए जाने वाला रास्ता है और यहां पर भरे हुए पानी के चलते गाड़ियां बहुत ज्यादा खराब हो रही हैं, प्रभावित हो रही हैं और जो ट्रैफिक है वो बढ़ गया है। सोचिए सड़क के एक तिहाई पर तो पानी भरा है तो गाड़ियां यहां पर चलेंगी कैसे, और गाड़ियां खराब हो रही हैं वो अलग। तो ऐसे में लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर लोग चल नहीं पा रहे हैं क्योंकि कहीं पर मैन होल हो सकते हैं। अब मैन होल के चलते दुर्घटना और ज्यादा बढ़ सकती है। कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई हैं और कैमरा घूमता है तो हाईवे के चारों तरफ कमर तक पानी भरा हुआ दिखाई देता है। बद इंतजामी ने बारिश में लोगों को बंधक बना दिया है। मुंबई में जो लोग सोमवार को दफ्तर जाने के लिए घर से निकले वो लाचार दिखे। कोई पानी के बीच अपनी खराब गाड़ी को धक्का लगाते दिखा तो कोई सुबह 4 बजे बस के भीतर बैठकर पानी कम होने का इंतजार करते मिला। आप कब से हैं इधर? 4 बजे से ये बस रुका हुआ है इधर ही। आप कहाँ जाना है? किधर? गिरार। बस से लेकर ट्रक जैसे बड़े बड़े वाहन पहली बारिश के सामने बेबस दिखाई दे रहे थे। आप समझिए कि सिर्फ एक रात की बारिश में मुंबई की ऐसी भयावह तस्वीर सामने क्यों आई। रविवार रात 1 बजे मुंबई में तेज बारिश शुरू हुई थी। सुबह 7 बजे तक लगातार बारिश होती रही। 6 घंटे के भीतर मुंबई में रिकॉर्ड तोड़ 300 mm बारिश हो गई। बावजूद इसके अगर नालों की सफाई हुई होती तो मुंबई इस तरह पहली बारिश में
हाफ ना रही होती। देखिए कि किस तरीके से शाम का समय है और लोग जो अपने दफ्तर किसी भी हाल में पहुंच गए थे आज सुबह, वो अब दफ्तरों से घर लौट रहे हैं, लेकिन इस रास्ते से उनका गुजरना जो है वो मुश्किल हो रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो अलग अलग मैन होल है वो इस वक्त लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके लिए जो बीएमसी के कर्मचारी हैं वो खुद मैदान पर उतर कर उन मैन होल्स की जो है वो आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, उसके आस पास खड़े रह रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं कि वो इस रास्ते का प्रयोग ना करें। एक बार फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है, जिसके बाद जो मुंबईकर हैं उनके लिए मुसीबत और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अपने हालात मुंबई में किस तरीके से बद से बदतर है। हालांकि मुंबई का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है यानी कि बीएमसी, वो ये दावा कर रहा है कि उसने मानसून की बारिश से पहले ही टारगेट से ऊपर जाकर नालों की सफाई कर ली है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है। सायन से लेकर अंधेरी तक और ईस्टर्न एक्सप्रेसवे से लेकर बलाट तक सब कुछ डूबा हुआ है। और चिंता की बात तो ये है कि मुंबई में 100 ऐसे नए स्पॉट्स बने हैं जहां पर पानी शहर डूबने की वजह बन रहा है। सवाल ये कि इस मानसूनी मुसीबत का कोई इलाज है या फिर इस संकट को हर साल रस्म अदायगी मान लिया जाए। जरा देखिए मुंबई शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल का हाल। सेंट्रल लाइन के रेलवे ट्रैक पर पानी भरा हुआ है। कुछ ट्रेन सरक तो रही थी लेकिन प्लेटफॉर्म तक पहुंच नहीं पा रही थी। मैं इस वक्त यहां वडाला स्टेशन पर मौजूद हूं और वडाला स्टेशन का ये नजारा है। पिछले कई घंटों से यहाँ से कोई भी लोकल पास नहीं हुई, ये अब लोकल सीएसटी की तरफ से आई है। लोग यहाँ पर कई घंटों से खड़े हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपनी जान जोखिम में डाल के एक चलती ट्रेन से दूसरी चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक स्टेशन से वो दूसरे स्टेशन पर जा सके। ये काफी खतरनाक हो सकता है। अब तो मुंबई में रहने वाले लोग भी बीएमसी से अपील कर रहे हैं कि कृपया ध्यान दीजिए, अभी तो बारिश का पूरा महीना बाकी है। सीएसटी जाना है, हम यहाँ आधे घंटे से खड़े हैं, अभी तक ट्रेन नहीं आई, एक ही बारिश में ये हाल है। बीएमसी को यही कहना चाहता हूँ, जरा ध्यान दीजिए, क्लियर ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि पानी का बहुत पहले ही बारिश में ऐसा हाल है। अभी तो पूरी बारिश बाकी है, 3-3 महीने बाकी है अभी बारिश के लिए। 2 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर में जब लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाली ट्रेन की रफ्तार पर बारिश ने ब्रेक लगा दिया, तो देखिए कैसे स्टेशन पर ही शहर अटका और लटका हुआ दिखाई दे रहा था। जरा सोचिए, ये मुंबई का हाल है जहां ना घर बारिश में डूबने से बचते हैं, न सड़कें खुद को बचा पाती हैं, न हाईवे सुरक्षित रहते हैं और न ही स्कूल बच पाते हैं। एक्शन कितने आए मी नीलेश, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर मुंबई के वीरा देसाई रोड से आई है, जहां एक वृद्धाश्रम के भीतर पानी घुस गया, चारों तरफ पानी है और बिस्तर डूबने से कुछ इंच ही बाकी रह गया था। आश्रम में 5 वृद्ध फंसे थे जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से बाहर निकाला गया। मुंबई शहर के डूबने की खबर सुर्खियां बनी तो बीएमसी भी एक्शन में आता हुआ दिखाई दिया। अधिकारियों का अमला दफ्तर में जुटा और सीसीटीवी के जरिए नजर रखी गई। जगह जगह पाइप लगाकर पानी निकाला जाने लगा और फिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रशासन की मुस्तैदी का अपडेट देने सामने आए। 267 से 300 mm का बारिश गिरी है। पंप रेलवे ने 200 पंप लगाए है, 480 पंप कारपोरेशन के है, वो पूरी तेजी से काम कर रहे हैं और एनडीआरएफ की टीम पहुंची है। अगर जरूरत पड़े तो आर्मी नेवी एयरफोर्स उसको भी इतला किया है, उनको भी सूचना दी हुई है, वो भी हमारी मदद के लिए हमेशा तैनात है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुंबई की मानसूनी मुसीबत का कोई इलाज नहीं है? क्या 60,000 करोड़ बजट वाली बीएमसी के पास बारिश के पानी से निपटने का कोई प्लान नहीं है? मुंबई जैसे 50 साल पहले डूब जाती थी, वैसे ही 50 साल बाद भी डूबती रहेगी और हम इसे सालाना संकट मानकर सिस्टम और आसमान को कोसकर
आगे बढ़ते रहेंगे। पूरा जो व्यवस्था कहा था, बीएमसी ने वादा किया था कि सारा नाला क्लीनिंग हो चुकी है, ड्रेन्स की सफाई हो चुकी है, ड्रेन्स के जो भी ब्लॉक्स हैं वो हटा दिए गए हैं, डीसल्टिंग हो चुकी है, वो सारे वादे दिखाई पड़ गए कि वो झूठे वादे झूठे इरादे। और वही मुख्यमंत्री जाते हैं एक महीने पहले इंस्पेक्शन करते हैं, इस तरीके से नाले के सामने भी फोटो खींचते हैं, इस तरफ देखते हैं उस तरफ देखते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से वो पूरा इंचार्ज है और वो काम ले रहे हैं बीएमसी से। पहले ही बारिश में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। विरोधी तो सवाल पूछेंगे ही, और सवाल जायज भी है कि अगर नालों की सफाई हो चुकी होती तो फिर सायन से लेकर अंधेरी तक पानी में क्यों समा गए। मुंबई के सायन रेलवे स्टेशन के पास कुर्ला सायन लिंक रोड पर हम मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। तस्वीर आप देख रहे हैं ये मुख्य सड़क की है और ये सीधे जो है आगे सीएसटी की तरफ जाती है, लेकिन यहाँ पर सड़क पर इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है कि कई लोगों की गाड़ियां खराब हो गई हैं, जो एम्बुलेंस है उसको जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, पर्याय का रास्ता ढूंढना पड़ रहा है। कुछ घंटों की बारिश के बाद मुंबई के मलाड इलाके का सबवे डूब गया। जिस गाड़ी को इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें एक महिला और ड्राइवर मौजूद थे जिन्हें वक्त रहते बचा लिया गया। ठीक ऐसी ही तस्वीर मुंबई के एलटीटी टर्मिनल से सामने आई, जहां नाले की साइड दीवार नहीं होने की वजह से कार ड्राइवर समेत सीधे पानी में समा गई, जिसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। गनीमत ये रही कि ड्राइवर की जान बचा ली गई। आप समझ रहे हैं कि ये कितनी गंभीर स्थिति है। मूसलाधार बारिश में सिर्फ शहर डूबता नहीं है, आर्थिक चोट के साथ साथ लोगों की जान पर बनाती है। मतलब कोई गारंटी नहीं है कि घर से बारिश में निकला इंसान सुरक्षित सकुशल वापस लौटेगा। हाँ, तकलीफ हुआ, मेरा गाड़ी फंसा ऊपर आया उधर अंदर पानी में। कितने समय से गाड़ी आपकी फंसी हुई है? लगभग 2 घंटे से। मुंबई पानी हर साल का वही टेंशन, हमारा बीएमडब्ल्यू वहाँ फंसा है। तो बारिश में अभी क्या, ये नेचुरल फ्लड है, उसको कुछ बोल नहीं सकते ना। खाली पीली किसके ऊपर दोष देके फायदा नहीं। तकलीफ है, गाड़ी जा ही नहीं पा रहा है हमारा लोग का, कोई गाड़ी बड़ी गाड़ी जा रही है, छोटी गाड़ी नहीं जा पा रही है, पूरा भरा हुआ है पानी यहाँ से आता है। परेशानी ये है, मैं दादर से आ रही हूँ, पूरा रोड जाम है, पूरा रोड पानी से भरा हुआ है, हम पूरा पानी में फंसे हुए हैं। नवी मुंबई और पनवेल जैसे इलाके तो रविवार को ही डूब गए थे, जहां गाड़ियां तैरती हुई दिखाई दे रही थी और पूरी परिवहन व्यवस्था ही ठप पड़ गई थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंबई बारिश के पानी में डूबी हुई है, महाराष्ट्र के कई इलाकों में मॉनसून की दस्तक ने डराया है। तस्वीरें नदी के किनारे की हैं, लेकिन लगता है कि बीच नदी की है। पानी के बीच मौजूद एक गाड़ी तेज बहाव के बीच संतुलन बनाने की जद्दोजहद करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ सेकंड के भीतर गाड़ी पहले पलटती है और फिर खिलौने की तरफ बहती हुई नजर आती है। राहत की बात यह है कि गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था। गाड़ी के साथ ही एक छोटी सी दुकान भी पानी के बहाव में जमीन छोड़कर बहने लगती है। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के खामगांव में बरसाती नदी में बाढ़ के बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। बुलढाणा में बारिश ने कैसा कहर बरपाया है उसकी दूसरी तस्वीर देखिए, जहां सबवे के भीतर पानी में कार समा गई है और कार में फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें की जा रही है। महाराष्ट्र के बुलढाणा में लगातार बारिश के बाद नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। खेत खलिहान से लेकर रिहायशी इलाकों तक बाढ़ का पानी घुस चुका है। कुछ घंटों की बारिश कितनी भयावह हो सकती है, इसकी मिसाल बनकर एक तस्वीर महाराष्ट्र के रायगढ़ से सामने आई।
रविवार को रायगढ़ किले में घूमने के लिए लोग गए हुए थे, लेकिन तेज बारिश के बाद बहाव इतना तेज हुआ कि लोग वहीं फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद उफनती धाराओं के बीच से लोगों को रेस्क्यू किया गया। कल जम्मू कश्मीर से बहुत दुखद खबर सामने आई। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया। अभी देश जून में जम्मू कश्मीर में बैक टू बैक चार हमलों से उभरा भी नहीं था, ये एक और आतंकी हमले ने देश को सकते में डाल दिया और इस बार आतंकियों ने सेना को अपना टारगेट बनाया। इस हमले में सेना के जवानों को बलिदान देना पड़ा। हम आपको कठुआ से आ रही एक एक तस्वीर दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि ये कायराना हमला किन आतंकियों ने किया है, और साथ ही सीमा पार वाली बहुत बड़ी साजिश का खुलासा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में कठुआ में बड़े आतंकी हमले से जुड़ी, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए हैं, 5 घायल हुए हैं, इलाज जारी है। सेना के काफिले पर यह अटैक हुआ और इसमें 5 जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। सेना के काफिले पर यह आतंकी अटैक, 5 जवान अभी घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। कठुआ में आतंकी हमला जहां 5 जवानों ने अपनी शहादत दी। सेना के काफिले पर यह अटैक हुआ और आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको कठुआ आतंकी हमले की 6 अलग अलग तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। सेना पर अटैक की तस्वीर आपके सामने, 5 जवान देश के शहीद हो गए। सेना की गाड़ियों पर फायरिंग की गई, फिलहाल वहां पर मेगा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मेरे आसपास 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें किस तरीके से कठुआ में ये कायराना हरकत को अंजाम दिया गया उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। सेना पर अटैक किया गया, हमारे देश के जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, 5 जवान इसमें शहीद हो गए हैं और सेना की गाड़ियों पर फायरिंग की गई। मेगा सर्च ऑपरेशन फिलहाल वहां पर चलाया जा रहा है और एक संगठन जिसका नाम है कश्मीर टाइगर्स, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। कहा है कि ये आतंकियों की मौत का बदला है और साथ ही चेतावनी कि ऐसे हमले होते रहेंगे। अब देखिए, सेना पर अटैक को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि हमले में 3 आतंकियों के होने का शक है। सेना की 2 गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और करीब 25 मिनट तक गोलियां बरसाते रहे आतंकी। 3 आतंकियों के होने का शक जाहिर किया जा रहा है इस पूरे हमले में, और 2 गाड़ियां सेना की जिस पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है और करीब 25 मिनट तक आतंकी इस गाड़ी पर गोलियां बरसाते रहे। सेना की 2 गाड़ियों पर फायरिंग हुई, करीब 25 मिनट तक गोलियां बरसती रही। के कठुआ में हुए आतंकी हमले में घायल हुए सेना के जवानों को आप देख रहे हैं जो यहाँ बिलावर के अस्पताल पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पर पूरा अमला जो है पहले से ही तैयार रखा गया था मेडिकल का, ताकि यहाँ पर जो घायल पहुंचे उनका सुचारू रूप से इलाज कराया जा सके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पैरामेडिकल और मेडिकल फोर्स के जो लोग हैं वो यहाँ पर इन घायलों का जो है इलाज कर रहे हैं। बता दूँ, आज करीब 3-3:30 बजे के बीच, यानी कि सोमवार को 3-3:30 बजे के आसपास, जब सेना की एक टुकड़ी एक वाहन में जा रही थी, तभी वहां पर घात लगाकर बैठे आतंकियों ने जो है इस वाहन पर फायरिंग की है, जिसमें अभी तक ये बताया जा रहा है कि 5 देश के बहादुर जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, जबकि 5 अन्य जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को उपचार के लिए यहाँ हॉस्पिटल लाया गया है। बता दूं, काफ़ी दूर दराज का इलाका है जहाँ पर यह हमला हुआ है, और उसके बाद जो है घायलों को यहाँ तक पहुँचाने में काफ़ी समय लगा, क्योंकि दूर दराज का इलाका है जहाँ पर आतंकी जो है घात लगाकर बैठे थे। और यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से घायलों का यहाँ पर इलाज चल रहा है, जो लोग घायल हैं उनका यहाँ पर इलाज चल रहा है, और लगातार यहाँ पर जो है अलर्ट पर रखा गया है मेडिकल टीम्स को, ताकि यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं उन्हें किसी तरीके के उनके इलाज में किसी तरीके की दिक्कत ना हो, इसके लिए यहाँ पर जो है मेडिकल टीम्स को रखा गया है। और बता दूं, इससे पहले भी कुछ घायल जो हैं उन्हें यहां से एयरलिफ्ट करके पठानकोट ले जाया गया ताकि उन्हें बेहतर ट्रीटमेंट दिया जा सके। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाजपेयी, एबीपी न्यूज़, बिलावर, कठुआ।
और चलिए अब आपको डिटेल में कठुआ आतंकी अटैक की तस्वीरें दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर कल कठुआ में क्या क्या हुआ था। बिग बॉल के जरिए बड़ी तस्वीर आपके सामने हम दिखाने जा रहे हैं कि कल कठुआ में क्या क्या हुआ था, किस तरीके से अटैक किया गया था। देखिए, कल दोपहर को 3:30 बजे आतंकी हमला हुआ। ये आप देख रहे हैं सेना का वाहन, और ये देख लीजिए किस तरीके से इस पर बार बार गोलियां बरसाई गई। आगे देखिए क्या हुआ। कठुआ में बंदरूड नाले के पास यह अटैक किया गया, जहां पर सेना की गाड़ी पर हमला हुआ। सेना के जवान रूटीन गश्त कर रहे थे जिस समय उन पर अटैक किया गया। 22 गढ़वाल बटालियन की 2 गाड़ियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग आतंकियों की तरफ से की गई। पहले आतंकियों ने गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका और फिर किस तरीके से आगे उनकी तरफ से गोलियां बरसाई गई उसकी तस्वीर। गाड़ी का टायर ग्रेनेड अटैक से फट गया और उसके बाद वहां पर गोलियां चलानी आतंकियों ने शुरू की। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दोनों गाड़ियों पर गोलियां बरसाई गई आतंकियों की तरफ से, और देश के 5 वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है। तो ये देखिए, 4 से 5 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा करीब 25 मिनट तक फायरिंग करते रहे और गोलीबारी में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं और 5 जवान घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जारी है। अब कठुआ आतंकी हमले पर एक बड़ा खुलासा भी हुआ है, ये कि इसमें एक गाइड भी शामिल था, एक स्थानीय गाइड आतंकियों के साथ था। तो ये बड़ा खुलासा कठुआ आतंकी अटैक को लेकर कि ये जो आतंकी हमला हुआ है इसमें एक लोकल गाइड भी शामिल था जो कि आतंकियों के साथ था, उनका साथ दे रहा था, ऐसी भी आशंका जाहिर की जा रही है। ये बड़ा खुलासा कठुआ आतंकी हमले में, जिसमें देश के 5 जवान शहीद हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि उस हमले में एक गाइड भी शामिल था और ये लोकल गाइड था जिसने आतंकियों की मदद की, उनका साथ दिया। अजय बाचलू मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट्स के साथ। अजय, ये तो बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, हालांकि जांच एजेंसियां इस पर कार्रवाई करेंगी, देखेंगी, लेकिन शक जाहिर किया जा रहा है कि एक लोकल गाइड इस आतंकी संगठन के साथ था, इन आतंकियों के साथ था। बिल्कुल, बता दूं, ये पिछले 1 महीने में जम्मू संभाग में हुआ 6ठा बड़ा आतंकी हमला है, और अगर कठुआ जिले में जहां पर ये बिलावर पड़ता है वहां की बात करें तो वहां पर ये पिछले 1 महीने में हुआ 2रा बड़ा हमला है। अजय, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल रही है मुझे, फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये बहुत चिंताजनक बात जो सामने आई है कि आतंकी हमले में एक गाइड भी शामिल था, और जांच एजेंसियां हालांकि इसका शक जाहिर कर रही हैं, अभी कार्रवाई होगी, आगे पता लगेगा। आगे बढ़ते हैं, जहां जम्मू कश्मीर से कठुआ से अभी का अपडेट आपको दे रहे हैं कि कठुआ के जंगलों में एनकाउंटर चल रहा है, आतंकी रुक रुक कर वहां पर फायरिंग कर रहे हैं और हमले के बाद पास के जंगल में छिपे हुए हैं आतंकी और वहां पर एनकाउंटर जारी है। अभी का अपडेट कठुआ से, कठुआ के जंगलों में एनकाउंटर चल रहा है और आतंकी रुक रुक कर फायरिंग कर रहे हैं। हमले के बाद पासी के जंगल में छिपे हुए हैं आतंकी और वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि वहां पर एनकाउंटर चल रहा है और आतंकी रुक रुक कर वहां पर फायरिंग भी कर रहे हैं कठुआ के जंगलों में, जहां जब ये मामला सामने आया उसके बाद से ही सर्च ऑपरेशन सेना की तरफ से चलाया जा रहा है, लेकिन अब ये सामने आ रही है बात कि आतंकी भी रुक रुक कर फायरिंग कर रहे हैं और वहां पर एनकाउंटर जारी। जम्मू के बिलावर में सैन्य वाहन पर हुए आतंकी हमले को लेकर एबीपी न्यूज को कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां मिली हैं। एबीपी न्यूज को सूत्रों ने बताया है कि सोमवार करीब 3:30 बजे 4 से 5 आतंकियों के ग्रुप ने सैन्य वाहनों को घेरा और ये सैन्य वाहन वहां पर रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे थे। बंदरुद्ध नाला बताया जा रहा है जहां पर इन आतंकियों ने घात लगाकर सेना के इस वाहन पर हमला किया, और सबसे पहले आतंकियों ने जो छिपकर बैठे हुए थे उन्होंने सबसे पहले वाहन के पास, सैन्य वाहन के पास ग्रेनेड फेंका, जिससे इस सैन्य वाहन के टायर जो हैं वो फट गए और सैन्य वाहन वहीं जाकर खड़ा हो गया। इसके बाद सेना के जवानों और वहां जो आतंकी छिपे हुए थे उनके बीच लगातार करीब 25 मिनट तक फायरिंग होती रही, और उसके बाद आतंकियों ने
पास के जंगलों में शरण ली और पास के जंगलों में छिप गए। इस घटना के तुरंत बाद न केवल सेना बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने भी लगातार मोर्चा संभाला और मचेड़ी के इस इलाके को पूरी तरह से घेर लिया गया है। इस हमले को लेकर सबसे दुखद खबर ये आ रही है कि इस हमले में अब तक 5 सेना के जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं जबकि 5 अन्य घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए सबसे पहले बिलावर लाया गया जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहां से बिलावर से इन सभी घायल जवानों को पठानकोट ले जाया जा रहा है जहां पर मिलिट्री हॉस्पिटल है जहां पर इनका उपचार किया जाएगा और फिलहाल अब व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि ये जो 4 से 5 आतंकी छिपे हुए हैं जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया उन्हें ढूंढ कर उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके और साथ में ही पूरे इलाके को पूरे मचेड़ी इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और वहां पर जो है आतंकी कहीं भाग ना पाए इसके लिए पूरी वहां पर कवायद की जा रही है। तो सुरक्षा बलों का दावा है कि 4 से 5 आतंकी थे जिन्होंने इस सैन्य वाहन पर हुए हमले को अंजाम दिया है जिनकी तलाश के लिए अब व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ एबीपी न्यूज कठुआ। इस आतंकी हमले को लेकर एक और बड़ा अपडेट है हमारे पास कि कश्मीर टाइगर्स ने हमले की जिम्मेदारी ली है। ये 3 आतंकियों की मौत का बदला कश्मीर टाइगर्स ने कहा। आतंकी संगठन ने ये भी कहा कि ऐसे ही और हमले होंगे। कश्मीर टाइगर्स नाम के संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और साथ ही चेतावनी कि हमले और होंगे, ये आतंकियों की मौत का बदला है, ऐसा कहना है कश्मीर टाइगर्स नाम के इस संगठन। अब कठुआ में इस आतंकी हमले के बाद से आसपास के इलाकों में मेगा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कठुआ जिले के बिलावर में एक आतंकी हमला हुआ है जिसमें आतंकियों ने एक सेना के वाहन को निशाना बनाया है। ये घटना जो है ये बिलावर के मचेड़ी इलाके की है जहां पर घात लगाकर बैठे आतंकियों ने एक सेना के वाहन को निशाना बनाया और उस पर ग्रेनेड और गोलियों से गोलीबारी की। बता दूं कि उसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ये जो रोड आप देख रहे हैं ये जम्मू पठानकोट हाईवे से मचेड़ी को जोड़ने वाली रोड है। यहाँ पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर हर आने जाने वाले वाहन की चेकिंग की जा रही है, वाहनों को रोका जा रहा है, गहन तलाशी की जा रही है। यहाँ से ही यही वो सड़क है जो मचेरी की तरफ जाती है जहाँ पर आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है और उसके बाद इस हमले के बाद पूरे इलाके में एक व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसके बाद इस हमले के बाद न केवल सेना बल्कि अर्धसैनिक बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने मोर्चा संभाला हुआ है और पूरे इलाके में जो मेरे पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं यही वो पहाड़ी इलाका है जहाँ पर ये मुठभेड़ जो है हुई थी, जहाँ पर ये हमला हुआ था जिसके बाद कुछ देर तक दोनों तरफ से फायरिंग हुई है और इस फायरिंग के बाद आतंकी इन जंगलों में छिपे हुए हैं जिन्हें ढूंढने के लिए व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और मचेरी की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी की गई है। तस्वीरें आप उस नाकाबंदी की देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे इलाके में अलर्ट कर दिया गया है और हर वाहन की यहां चेकिंग की जा रही है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बासले एबीपी न्यूज कठुआ। और अब कठुआ आतंकी अटैक पर सबसे बड़ा अपडेट। सीमा पार से आतंकियों के घुसपैठ की खबर। ऊंचाई वाली जगह जा रहे थे सभी आतंकी और सीमा पार से आतंकियों के घुसपैठ की खबर सामने आ रही है। कठुआ आतंकी अटैक जिसमें देश के 5 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। अब इसमें बड़ा अपडेट ये कि सीमा पार से आतंकियों के घुसपैठ की खबर है। ऊंचाई वाली जगह जा रहे थे सभी आतंकी। और आइए आगे बढ़े। हम आपको कल हुए आतंकी हमले का एक वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज रहा है। और
तो ये जो तस्वीर आपने देखी, ये आवाज जो आप सुन रहे हैं, ये कठुआ की तस्वीर है और ये गोलियों की आवाज है। बीते कल जब सेना के जवान गश्त कर रहे थे, रूटीन गश्त वो थी, उसी वक्त उन पर अटैक किया जाता है और किस तरीके से वहां पर गोलियां चलाई जाती हैं उनके वाहन पर, उसकी आवाज दिल दहला देने वाली है। बार बार फायरिंग की जा रही थी, लगातार 25 मिनट तक फायरिंग की गई। बिग वॉल के जरिए आपको ये तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। ये कठुआ की तस्वीर है और आवाज फायरिंग की है। सेना की गाड़ी जहां पर मौजूद थी उसमें सेना के जवान थे, वहां पर बार बार 25 मिनट तक फायरिंग की गई और गोलियों की आवाज इतनी तेज, आपको एम्बियंस में भी सुनाई दे रही होगी वो आवाज, इतनी तेज आवाज से पूरा जो इलाका था वो दहल उठा। इतनी तेज वहां पर गोलियां बार बार फायरिंग की जा रही थी। ये वो सेना की गाड़ी है, सेना का वाहन है जिसमें सेना के जवान थे और किस तरीके से देखिए आपको निशान यहां पर नजर आ रहे होंगे गोलियों के, और इस तरीके से बार बार यहां पर फायरिंग की गई जिसमें देश के 5 जवान शहीद हो गए हैं और 5 अभी घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है। इसी सेना के वाहन पर यहां पर फायरिंग की गई थी, गोलियां चलाई गई थी और इसके अंदर हमारे सेना के जवान मौजूद। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिष आचार्य संजीव शांडिल्य त्यागी। भाग्य की बात में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले आज का पंचांग देखते हैं। आज संवत 2081 आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि प्रातः 6:08 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज 9 जुलाई 2024 मंगलवार का दिन है। आज आश्लेषा नक्षत्र सिद्धि योग तथा गर्करण है। चंद्रमा का राशि संचार प्रातः 7:91 तक कर्क राशि में, उसके बाद सारे दिन सिंह राशि में रहेगा। आज राहुकाल दोपहर 3 से शाम 4:30 तक रहेगा। आज यमघंटक योग प्रातः 9 से प्रातः 10:30 तक रहेगा। नए व्यापारी कार्यों को करने के लिए आज लाभ नाम की चौघड़िया मुहूर्त प्रातः 10:43 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। शुभ कार्य को करने के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 5:35 से प्रातः 7:52 तक रहेगा। आज प्रातः 7:51 तक पश्चिम तथा उत्तर दिशा की यात्रा, फिर 7:53 से उत्तर तथा पूर्व दिशा की यात्रा करना कंपटीशन, नौकरी, इंटरव्यू, बिजनेस, धार्मिक व घूमने के दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। डॉक्टरी सलाह तथा मेडिकल जांच के लिए शुभ समय प्रातः 7:50 से प्रातः 8:24 तक, फिर दोपहर 1 से दोपहर 3:18 तक रहेगा। कॉरपोरेट व कंपनी अफेयर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी सेपरेशन व सिविल मैटर से संबंधित मुकदमा दायर करने के लिए एवं एडवोकेट से मिलने हेतु शुभ समय प्रातः 7:55 से प्रातः 8:23 तक, फिर दोपहर 1:05 से दोपहर 3:15 तक रहेगा। अब बात करते हैं आकाश में ग्रहों के आज के गोचर की। आज सूर्य ग्रह मिथुन राशि में, चंद्र ग्रह प्रातः 7:51 तक कर्क राशि में, फिर 7:52 से सिंह राशि में, बुध व शुक्र ग्रह कर्क राशि में, बृहस्पति ग्रह वृष राशि में, मंगल ग्रह मेष राशि में, शनि ग्रह कुंभ राशि में, राहु ग्रह मीन राशि में तथा केतु ग्रह कन्या राशि से भ्रमण करेंगे। अब बात करते हैं आज के 12 राशियों के राशिफल की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन घर में उत्साह व खुशियां लेकर आ रहा है। स्वास्थ्य शानदार रहेगा, मन में उत्साह का संचार रहेगा। संतान के भविष्य को लेकर कोई फाइनल निर्णय ले सकते हैं। पढ़ने संबंध शादी में बदलने की संभावना है। सर्विस प्रोवाइडर या कंसल्टेंट के रूप में नियुक्ति हो सकती है। आज लकी कलर रेड रहने वाला है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन एक दो बातों को छोड़कर सारा दिन उत्साह व उमंग से भरा रहेगा। आज माताजी या मदर इन लॉ के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। ऑफिस में तनाव के क्षण आ सकते हैं। वार्ता के दौरान जीवन साथी की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। आज लकी कलर स्नो वाइट रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण व शुभ रहेगा। भाई बहनों के
करियर से संबंधित चिंताएं दूर होंगी। कार्यस्थल पर ओवरसीज जिम्मेदारी दी जा सकती है। युवतियों व महिलाओं को रोजगार के नए अवसरों की प्राप्ति होगी। छोटी बहन का रिश्ता तय हो सकता है। आज लकी कलर पैरेट ग्रीन रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है। मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। चंद्रमा का राशि से दूसरे घर में भ्रमण पूरे परिवार की प्रोग्रेस को दर्शा रहा है। गोल्ड सिल्वर तथा शेयर में निवेश करना शुभ रहेगा। विद्यार्थियों के लिए वेल्थ मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डेकोरेशन के कोर्सों में एडमिशन लेना शुभ रहेगा। आज लकी कलर स्नो वाइट रहने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन मधुर पलों को ला रहा है। स्वास्थ्य व फिटनेस नेक्स्ट लेवल की रहेगी। राशि से चंद्रमा का भ्रमण बिजनेस में प्रॉफिट दिखा रहा है। जीवन साथी को साइड में कोई बिजनेस शुरू करा सकते हैं। व्यापारिक साझेदारी में आपसी समझ व तालमेल बढ़ने की संभावना है। सरकारी विभाग में अटका कार्य पूरा हो सकता है। लकी कलर आज मेहरून रहने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ पलों को ला रहा है। हेल्थ को लेकर सचेत रहें। नियमित अभ्यास के लिए किसी हेल्थ सेंटर या जिम को ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केटिंग, एजुकेशन व पब्लिकेशन से जुड़े लोगों को अर्थ लाभ की संभावना है। पूर्व दिशा की यात्रा संभावित है। आपका लकी कलर आज सी ग्रीन रहेगा। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन मधुर पलों को ला रहा है। स्वास्थ्य शानदार रहेगा। एडवेंचर तथा रोमांच से भरे विचार उत्पन्न होंगे। स्किन एलर्जी तथा अन्य हेल्थ इशू समाप्त होंगे। बिजनेस का कई शहरों में विस्तार हो सकता है। लवमेट द्वारा सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। ग्राफिक वेब डिजाइनिंग के कोर्सों में एडमिशन लेना शुभ रहेगा। आज लकी कलर व्हाइट रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन नए उत्साह व नई आशा को लेकर आ रहा है। नाक कान गले संबंधी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। होटल इंडस्ट्री तथा कंस्ट्रक्शन कंपनी में रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सरकारी विभाग में महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति हो सकती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी आज खरीद सकते हैं। आज आपका लकी कलर टोमेटो रेड रहेगा। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन नए अवसरों को ला रहा है। सारे दिन भाग्य का साथ रहेगा। बेरोजगारों की सरकारी स्कूल व कॉलेजों में जॉब लगने की संभावना है। टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लॉट की रजिस्ट्री तथा वाहन खरीदने का सही समय है। मस्टर्ड कलर का रुमाल कैरी करना शुभ रहेगा। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन सोच विचार कर बिताने का दिन है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। स्किन संबंधी तथा जोड़ों के दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें तथा चोट चपेट से बचें। ऑफिस में तथा बिजनेस डीलिंग करते समय क्रोध पर नियंत्रण रखें। स्काई ब्लू कलर का रुमाल कैरी करना लाभ देगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन आनंद व प्रसन्नता से भरा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तथा मन में उत्साह का संचार रहेगा। आसपास के स्वार्थी लोगों से दूर रहना आपके लिए उचित रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्माण संबंधी फैक्ट्री शुरू हो सकती है। शेयर तथा म्यूचुअल फंड में किया गया निवेश अच्छा रिटर्न दे सकता है। आज ब्लू रुमाल कैरी करना आपके लिए शुभ रहेगा। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन सावधानी से बिताने का दिन है। आज आप लो फील कर सकते हैं। योग, प्राणायाम तथा मेडिटेशन से दिन की शुरुआत करना शुभ रहेगा। भावुकता में कोई निर्णय ना लें। कन्फ्यूजन से बाहर आने के लिए आध्यात्मिक व्यक्ति की सलाह काम आएगी। येलो कलर का रुमाल कैरी करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं साढ़े साथी से बचाव के उपाय। मकर राशि, कुंभ राशि तथा मीन राशि वालों पर साढ़े साथी का प्रभाव चल रहा है। कर्क राशि तथा वृश्चिक राशि वालों के ऊपर ढैया का प्रभाव चल रहा है। इस प्रभाव को कम करने के लिए तथा शनिदेव की
कृपा प्राप्त करने के लिए दशनाम शनि स्तोत्र का नियमित पाठ करें। साथ ही शनिवार को संध्या काल में पीपल के पेड़ के नीचे उत्तर तथा पूर्व दिशा की तरफ फेस करके सरसों के तेल में काले तिल मिलाकर दीपक जलाएं। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए पीपल के पेड़ की 3 या 5 परिक्रमा करें। उसके उपरांत उत्तर तथा पूर्व दिशा की तरफ फेस करके ओम प्राम प्रेम प्रोम से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार रुद्राक्ष की माला पर जाप करें। फिर समीप के हनुमान मंदिर में जाकर उनके विग्रह के दर्शन करें। इससे मानसिक तनाव व शारीरिक कष्ट कम होंगे तथा आर्थिक प्रगति में आई रुकावटें दूर होंगी। भाग्य की बात में आज इतना ही। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। नमस्कार।